असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस इज दी ट्वेंटी सेवन्थ लेक्चर इन ए सीरीज़ ऑफ़ फोटी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप इनशाला अच्छे होंगे पिछले कुछ लेक्चर्स से हम सिक्वेंशल सर्कट्स पर बात कर रहे हैं और इन फैक्ट पिछले लेक्चर में हमने ए सिंकॉनस काउंटर्स पर बात की थी आज इनशाला डिस्कशन जारी रहेगी आज सिंकॉनस काउंटर्स पर बात करेंगे तो इससे पहले कि आज की डिस्कशन शुरू की जाए लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उनका रिव्यू हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि वही वाले कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में भी अप्लाई होंगे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी एक ट्रिपल फाइव डिवाइस है जो हम ये कह रहे थे उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए मोनोस्टेबल डिवाइस एंड एन ए स्टेबल डिवाइस मोनोस्टेबल का मतलब ये हमने बताया था कि जो भी डिवाइस है वो एक स्टेबल स्टेट में रहती है आप जब भी ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं वो एक अनस्टेबल स्टेट में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस अपनी स्टेबल हालत में आ जाती है वो जो अनस्टेबल स्टेट है वो एक बड़ा शॉर्ट इंटरवल के लिए रहती है और वो डिटरमिन होता है आर एंड सी जो रेजिस्टर और कैपेसिटर आप कनेक्ट करेंगे उस डिवाइस से तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडस में टाइम डिटर्मिन करता है इसके बाद हमने तीन मेजर प्रॉब्लम्स जो थी वो देखी थी जो आप डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है एक क्लॉक सिग्नल दिया हुआ है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक हमने बताया था कि होल्ड टाइम की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं और दोनों को एक आपने क्लॉक कनेक्ट किया हुआ है और जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है क्योंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली ट्रिगर हो रहे हैं तो पहले वाले फ्लॉप का जो आउटपुट चेंज हो रहा होगा उसी वक्त जो है सेकेंड फ्लॉप है उसका इनपुट भी जो है उसको स्टेबल रहना चाहिए क्योंकि क्लॉक सिग्नल आ रहा है अब क्योंकि सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो रहा है जो कि दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है तो वो जो होल टाइम हमने बात की थी कि जो भी फ्लिप फ्लॉप है जो ही क्लॉक पल्स आता है तो इनपुट पे इंफॉर्मेशन जो है डाटा जो है उसको स्टेबल रहना है फॉर ए सर्टन मिनिमम टाइम होल्ड टाइम जिसको कहते हैं अब इस केस में वो होल्ड टाइम अगर वो प्रोपिकेशन डिले से कम है तो फिर तो प्रॉपरली काम करेंगे पर अगर होल्ड टाइम जो है प्रोपिगेशन डिले से ज़्यादा है प्रोपगेशन डिले जो पहले फ्लिप फ्लॉप का तो ये सर्किट जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा हमने बताया था कि प्रैक्टिकली जो होल टाइम है वो बिल्कुल मिनिमल होता है जीरो नैनो सेकेंड्स होता है तो इस केस में सर्किट्स काम करेंगे दूसरी जो हमने बात की थी क्लॉक्स क्यू क्लॉक्स क्यों हमने बताया था कि एक ही कॉमन क्लॉक है अब क्योंकि कनेक्शनस की लेंथ डिफरेंट है एक फ्लिप फ्लॉप एक एंड पे लगा हुआ है दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है फिज़िकली एक दूसरी जगह पे लगा हुआ है तो जो क्लॉक सिग्नल है है तो एक ही पर वो टाइम ता, में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे पहुंच रहा है डिले की वजह से अब डिले की वजह से लच से दो फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड हैं जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है अगेन उसका आउटपुट जो है पहले दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है अब अगर पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो लेट सपोज वन से ज़ीरो की तरफ चेंज हो रहा है और जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको जो क्लॉक मिल रहा है वो थोड़े डिले के बाद मिल रहा है अगर प्रोपिगेशन डिले जो है पहले वाले फ्लिप uh, फ्लॉप का वो कम है क्लॉक्स क्यू से तो जो सेकेंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट पर कोई एक वैल्यू होगी अगर जो क्लॉक्स क्यू है वो उसका टाइम कम है प्रोपिगेशन डिले से तो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कुछ और वैल्यू होगी क्योंकि इनपुट जो है वो पहली वाली स्टेट पे सो so, ये जो है क्लॉक स्क्यू की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है अब क्लॉक्स क्यू की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है उसमें सो so, जो सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे उसमें ये क्लॉक स्क्यू का ख्याल रखना पड़ेगा बेसिकली जहाँ जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनको क्लॉक मिल रहा है उनको कोशिश ये करनी है कि एक साथ में क्लॉक सिग्नल उन तक पहुँचें तीसरी जो हमने बात की थी रेस कंडीशन रेस कंडीशन ये हैं कि कोई भी इनपुट सिग्नल चेंज हो उसकी वजह से इंटरनल वेरिएबल्स जो हैं किसी भी लॉजिक सर्किट के वो डिफरेंट टाइम्स पे हाई या लो होंगे अब वो डिफरेंट टाइम्स पे जब इंटरनल uh, वेरिएबल्स जो सिग्नल्स हैं हाई लो होंगे उसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं अगेन हमने वो देखा था कि अगर एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है उसको नेगेटिव कर दिया जाए तो जो ये प्रॉब्लम जो है रेस कंडीशन की ये ख़त्म हो सकती है इसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की थी ए इंकोनस काउंटर्स की। ए इंकोनस काउंटर्स बेसिकली क्या हैं uh, जो क्लॉक है वो सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे लगाया गया है जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए क्लॉक सिग्नल फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इसी तरह जो दूसरे फ्लिप uh, फ्लॉप का जो आउटपुट है वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक सिग्नल के इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ सो so, क्लॉक जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा वो रिपल होगा और बाकी फ्लिप फ्लॉप्स को भी मिलेगा इसलिए एस इंक काउंटर्स को हम रिपल काउंटर्स भी कहते हैं अब जो रिपल जो क्लॉक हो रहा है एक फ्लिप फ्लॉप से गुजरता हुआ बाकियों तक पहुँच रहा है उसकी वजह से Uh, क्या हो रहा है हर फ्लिप फ्लॉप का एक प्रोपिगेशन डिले है सो so, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक सिग्नल पहुंचेगा वो एक प्रोपिगेशन डिले के बाद पहुंचेगा इसी तरह जो तीसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल मिल रहा है वो अगेन दो प्रोपोगेशन डिले के बाद मिलेगा अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर आप इसी तरह बड़ा काउंटर बना दें आप फ्लिप फ्लॉप्स ऐड करते जाएं तो आखिरी जो फ्लिप फ्लॉप है उस तक काफ़ी क्लॉक जो है देर के बाद पहुंचेगा तो आउटपुट जो है उसका डिले हो जाएगा सो बेसिकली एंकोनस जो काउंटर्स uh, हैं उनको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ये प्रोपर्गेशन डिले की वजह से सो so उस केस में हम ये uh, आज डिस्कस करेंगे कि सिंकोनस काउंटर्स यूज करेंगे हमने मॉड एन ए सिंकोनस काउंटर्स की बात की थी मॉड एन का मतलब है मॉडुलस एन सो मॉडुलस एट मीन्स कि एट डिफरेंट स्टेट्स तक काउंट करेगा यूनिक स्टेट्स तक काउंट करेगा सो so, कैसे होगा बेसिकली तीन फ्लिप फ्लॉप्स आपस में जोड़ेंगे तो तीन फ्लिप फ्लॉप्स से 000 से लेके 111 तक काउंट हो रहा है जो आठ स्टेट्स हैं इसी तरह आप कोई भी मॉडल्स एन काउंटर बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स टुगेदर हमने एक डेकेट काउंटर देखा था डेकेड काउंटर बेसिकली 0 से 9 तक काउंट कर रहा है 10 स्टेट्स काउंट कर रहा है उसमें बेसिकली चार फ्लिप शलॉप्स हमने इकट्ठे जोड़े हुए हैं उसमें अब चार फ्लिप फ्लॉप्स जब इकट्ठे जोड़ेंगे तो वो काउंट करेगा बेसिकली मॉडल 16 काउंटर बन जाएगा जीरो से लेके 15 तक काउंट करेगा अब डेकेट काउंटर जैसे कि हमें बताया दस स्टेट्स हैं सो इसको नौ तक काउंट करके वापस रीसेट हो जाना चाहिए ज़ीरो 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 पर वो कैसे होगा बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जूँ ही टेन काउंट करता है टेन मीन्स वन जीरो वन जीरो बाइंडरी में तो एक हमने एंड गेट लगाया हुआ था जिसकी वजह से उस सारे फ्लिप फ्लॉप को हम रीसेट कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं उसमें सो ये हमारा डेकेट काउंटर बन गया अगर कोई और आपने ट्रंकेटेड सीक्वेंस में काउंट करना है तो बेसिकली इसी तरह के एंड गेट्स यूज़ करेंगे या नैंड गेट्स यूज़ करेंगे जिससे जिसकी मदद से आप काउंटर को रीसेट कर रहे हैं इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कमर्शली जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में ए सी काउंटर्स अवेलेबल हैं आपको ये के फिल्ट फिल्ट जो ही नहीं कि जोड़े हैं और एंड गेट्स जोड़े हैं सो so एक जो हमने डिस्कस किया था सेवन फोर वन नाइन थ्री था इसमें चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं तीन तो इकट्ठे कनेक्ट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ए थ्री बेट ए सी काउंटर और एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो अलहदा से है दो क्लॉक इनपुट्स मिल रही हैं और चार जो हैं फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट्स मिल रहे हैं तो आप इस चिप को एज़ थ्री बिट काउंटर यूज़ कर सकते हैं अगर फोर बिट काउंटर यूज़ करना है सो तो जो तीन हैं वो एक के साथ जोड़ लें जिस तरह आपका सिक्सटीन मॉडल सिक्सटीन काउंटर बन जाएगा आप जो हैं दो डिफरेंट चिप्स को आपस में कैस्केड कर सकते हैं और एक बड़ा काउंटर बना सकते हैं उसमें डिवाइड uh, बाय 50 काउंटर बना सकते हैं डिवाइड बाय 60 वट एवर सो आप मल्टीपल चिप्स को कैस्केड करके जितना uh, uh, बड़ा काउंटर uh, चाहें वो बन सकता है आज हम अपने डिस्कशन शुरू करते हैं ए सी डाउन काउंटर से डाउन काउंटर बेसिकली क्या है अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं डिस्कस किए हैं वो हमने बात की है अप काउंटर की अप काउंटर बेसिकली क्या है इनिशियल स्टेट जो है वो जीरो 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 है और उससे वो जो ही क्लॉक पल्स मिलता है ट्रिगर होता है तो वो एक काउंट जो है बढ़ाता है सो जीरो से वन जाएगा वन से टू थ्री फोर एंड ऊपर की तरफ काउंट कर रहा है डाउन काउंटर बेसिकली जो है एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा और वो काउंट डाउन करेगा जब से अगर थ्री बिट काउंटर है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वन 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 है सेवन बाइनरी में सेवन है जो ही एक क्लॉक पल्स आया तो सात से छः काउंट कर देगा फिर छः से पाँच चार तीन और इसी तरह जब जीरो पर पहुँचेगा फिर क्या होगा वापस रीसाइकिल कर देता है अप काउंटर भी इसी तरह रीसाइकिल करता है और डाउन काउंटर भी रीसाइकिल करता है जीरो 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 पर जब डाउन काउंटर पहुँचेगा उसके बाद दोबारा से वन 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 से काउंट सीक्वेंस दोबारा से शुरू हो जाएगा अब डाउन काउंटर बनेगा का कैसे बेसिकली डाउन काउंटर अप काउंटर में इतना फर्क नहीं है अप काउंटर में अगर आपको याद हो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर रहे हैं उन सारों के इनपुट्स जो थे वो परमानेंटली लॉजिक वन के साथ कनेक्टेड हैं और जो क्यू आउटपुट है हर फ्लिप फ्लॉप का वो क्लॉक के साथ कनेक्ट हुआ ये हम बात कर रहे हैं अप काउंटर की डाउन काउंटर जो है उसमें हर फ्लिप फ्लॉप का जो क्यू बार जो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो so बेसिकली जो ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो है ये काउंटर जो है डाउन की तरफ काउंट करेगा इसको हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम भी देखते हैं और इसका टाइमिंग डायग्राम भी देखते हैं एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जो बुक में अगर आप देखें उसमें जितने भी काउंटर्स डिस्कस किए हुए हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हैं दैट मीन्स जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं लो से हाई जब क्लॉक ट्रांजिशन होता है जब तब वो नेक्स्ट स्टेट पे जाता है या उसकी स्टेट चेंज होती है जो मैं इधर अपने लेक्चर में काउंटर्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ उस वो हैं सारे नेगेटिव एज ट्रिकेट सो दैट मींस क्लॉक सिग्नल जब हाई से लो जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप तब वो काम करेगा आउटपुट स्टेट चेंज करेगा बेसिकली फ़र्क दोनों में कोई भी नहीं है आप पॉजिटिव एज ट्रिगर काउंटर्स बना सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिकेट फ्लिप फ्लॉप्स या काउंटर्स आप यूज़ कर सकते हैं बना सकते हैं उसमें तो आइए देखते हैं ये जो है डाउन काउंटर ए सीकाउनर्स डाउन काउंटर इसका सर्किट कैसा है और ये काम कैसे करता है डायग्राम में एक थ्री बिट ए सीकोनस डाउन काउंटर दिखाया गया तीन फ्लिप फलॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं पहला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका भी इनपुट वन से जे के जो इनपुट है वन के साथ कनेक्टेड है इसी तरह दूसरा और तीसरा दोनों के जे के जो इनपुट्स हैं वन के साथ परमानेंटली कनेक्टेड हैं जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसमें आप डायरेक्ट क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं उसका जो क्यू बार आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ इसी तरह जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे जो आपको काउंट मिल रहा है पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है एफ़ नॉट इसी तरह जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो एफ़ वन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा वाला जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एफ़ टू को रिप्रेजेंट कर रहा है आइए देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम ये काम कैसे कर रहा है टाइमिंग डायग्राम में सबसे ऊपर क्लॉक इनपुट सिग्नल दिखाया गया है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप जो है नेगेटिव वेस्ट ट्रिगर्ड है और जो काउंटर है नेगेटिव वेस्ट ट्रिगर्ड है सो हाई टू लो ट्रांजिशन पे फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं एफ़ जीरो जो है वो क्यू आउटपुट जो है पहले वाला फ्लिप फ्लॉप का वो दिखाया गया है एफ़ नॉट बार जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट नीचे दिखाया गया इसी तरह एफ़ वन और एफ़ वन बार दिखाया गया और एफ़ टू आउटपुट जो है तीसरे फ्लिप फ्लॉप का दिखाया गया है अब पहले वाले क्लॉक ट्रांजिशन पे हाई टू लो ट्रांजिशन पे टी वन पे एफ़ जीरो की स्टेट जो है वो जीरो से वन हो जाएगी क्योंकि इसके दोनों इनपुट वन से टाइड हैं सो दैट मीन्स पहला वाला फ्लिप अब टॉगल करेगा वन जीरो वन जीरो हर क्लॉक ट्रांजिशन पे सो so इसी तरह टी टू पर जैसा कि देखा जा रहा है एफ़ नॉट जो है वन से ज़ीरो हो गया इसी तरह टी थ्री पे जीरो से वन हो गया एंड सो ऑन अब जो एफ़ नॉट बार है वो ऑफकोर्स एफ नॉट का ऑपोजिट है तो वो आपको इधर दिखाया गया है जब एफ़ नॉट हाई होगा तो एफ नॉट बार लो होगा अब इंटरवल टी वन पे एफ़ नॉट बार जो है वो हाई टू लो जा रहा है अब ये वाला सिग्नल जो है इसको कनेक्ट किया हुआ है सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे सो हाई टू लो ट्रांजिशन पे सेकेंड वाला फ्लॉप भी ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि उसके इनपुट्स जो हैं जे के इनपुट्स हैं वन के साथ टाइड हैं तो ये भी टॉगल करेगा सो एफ़ वन बार जो है आपको हाई से लो जाते हुए नज़र आ रहा है अब इसी तरह जो थर्ड फ्लॉप है उसके इनपुट पे एफ़ वन बार सिग्नल कनेक्टेड है अब क्योंकि ये हाई टू लो ट्रांजिशन हुई थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल कर जाएगा स्टेट जीरो से वन की तरफ अब टी टू पर अगर देखें जो क्लॉक इनपुट है वो हाई टू लो ट्रांजिशन हुई अब इसकी वजह से एफ़ नॉट जो है वो चेंज हो गया हाई टू लो एफ़ नॉट बार जो है वो लो टू हाई जा रहा है अब क्योंकि लो टू हाई जा रहा है तो एफ़ टू के इनपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो, वो जो है नेगेटिव ट्रिगर्ड है सो एफ़ वन पे कोई चेंज नहीं आया वो उसी तरह है अब इंटरवल टी टू पर जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे भी कोई क्लॉक चेंज नहीं आ रहा इसीलिए उसका भी आउटपुट जो है वो स्टेबल हाई पे है T3 थ्री इंटरवल पे अगर देखा जाए क्लॉक इनपुट जो है हाई टू लो ट्रांजेक्शन हुआ एफ़ नॉट जो आउटपुट है जीरो से वन हो गया एफ़ नॉट बार जो है वो हाई से लो जा रहा है अब हाई से लो गया तो जो सेकेंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजेक्शन हुई क्लॉक इनपुट पे जिसकी वजह से उसकी स्टेट जो है वो टॉगल हो जाएगी पहले जो एफ़ वन स्टेट थी वो वन थी अब ज़ीरो हो जाएगी इसी तरह एफ वन बार जो है वो क्योंकि ज़ीरो था अब वन हो जाएगा अब ज़ीरो से वन जो ट्रांजेक्शन है वो पॉजिटिव क्लॉक की ट्रांजेक्शन है सो so, जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप टी फाइव इंटरवल पर देखें तो क्लॉक इनपुट जो है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजेक्शन हो रही है एफ़ नॉट आउटपुट जो है लो से हाई जा रहा है एफ नॉट बार जो है हाई से लो जा रहा है हाई से लो जाने की वजह से जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजेक्शन हो रही है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर देगा पहले जो एफ़ वन की स्टेट थी वो ज़ीरो थी अब वो वन हो रही है अब एफ़ वन बार क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है देयरफॉर उसकी जो पहली स्टेट वन थी वो ज़ीरो हो जाएगी अब वन से ज़ीरो जब होगी तो दैट मीन्स एक हाई से लो ट्रांजेक्शन हो रही है सिग्नल में अब क्योंकि F1 वन बार सिग्नल जो है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो दे फो तीसरे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगी वन से ज़ीरो अब इसी तरह अगर टाइमिंग डायग्राम आप फॉलो करें टी सिक्स टी सेवन टी एट टी नाइन तो स्टेट्स चेंज होती नज़र आ रही हैं हाई टू लो ट्रांजेक्शन पर अब अगर वापस आप आए टी से टी इंटरवल में आप एफ़ नॉट को देखें वो हाई है एफ़ वन को अगर आप देखें वो भी हाई है और एफ़ टू को देखें वो भी हाई है सो so, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट वन 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 जो कि सेवन है बाइनरी में अब इंटरवल टी टू और टी थ्री को देखें एफ नॉट जो है वो ज़ीरो हो गया एफ वन वन है और एफ़ टू जो है वो वन है अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो वन वन एफ़ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है बाकी एफ़ वन और एफ टू वन वन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट सिक्स और बाइनरी में भी जीरो वन वन जो है सिक्स को रिप्रजेंट कर रहा है इसी तरह इंटरवल टी थ्री टी फोर में देखें एफ़ ज़ीरो जो है वन है एफ़ वन जो है वो ज़ीरो है और एफ़ टू जो है वो हाई है या वन है ये रिप्रजेंट कर रहा है स्टेट फाइव वन जीरो वन जो माइनर में फाइव है इसी तरह इंटरवल टी फोर और टी फाइव में फोर हो गया उसके बाद थ्री हो गया टी सिक्स टी सेवन में टू हो गया टी सेवन और टी एट में वन हो गया और टी ए टी नाइन में अगर आप देखें एफ जीरो जो है ज़ीरो है एफ़ वन आउटपुट ज़ीरो है और एफ टू आउटपुट जीरो है तो ये आखिरी वाली स्टेट है जीरो जीरो ज़ीरो अगर इसके बाद आगे जाएं टी नाइन के बाद तो ये तीनों आउटपुट जो हैं वापस वन 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 में आ जाएंगे दैट मीन्स ये जो थ्री बेट ए सीकोनस डाउन काउंटर है ये रीसाइकल इसने कर लिया जब ये लीस्ट काउंट पर ज़ीरो जीरो जीरो पर पहुँचता है अभी हमने थ्री बेट ए सी डाउन काउंटर देखा बेसिकली अप काउंटर और डाउन काउंटर में फ़र्क इतना है कि अप काउंटर में जो क्यू आउटपुट है वो हम अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं डाउन काउंटर में जो क्यू बार आउटपुट है वो हम अगले वाले क्लॉक फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पर कनेक्ट कर रहे हैं सो डाउन काउंटर बेसिकली एक मैक्सिमम काउंट से नीचे की तरफ काउंट कर रहा है और जब मिनिमम काउंट पर पहुँचता है ज़ीरो जीरो ज़ीरो पर वापस रिसर्कुलेट हो जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉड एन काउंटर हम बना सकते हैं यूजिंग ए डाउन काउंटर बेसिकली यस हम बिल्कुल बना सकते हैं अप काउंटर जैसे कि हमने बताया था कि मॉड एन काउंटर किसी टाइप का बना सकते हैं लट्स uh, 16 मॉड 16 काउंटर है हम मॉड 10 बनाना चाहें तो बेसिकली एक एंड गेट यूज़ करेंगे जिससे काउंटर uh, को रीसेट कर रहे हैं इसी तरह डाउन काउंटर में लट्सपोज हमारे पास यही थ्री बेट वाला जो डाउन काउंटर है हम इसको मॉड थ्री काउंटर बनाना चाह रहे हैं सो बेसिकली मॉड थ्री मीन्स तीन यूनिक स्टेट्स काउंट करेगा सो पहली स्टेट क्या होगी वन 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 होगी उसके बाद जो है डाउन काउंट करेगा वन वन जीरो पर चला जाएगा उसके बाद जो तीसरी स्टेट है वन ज़ीरो वन तो ये तीन यूनिक स्टेट्स ने काउंट कर ली इसके बाद कहाँ जाना चाहिए बेसिकली इसको रीसेट हो जाना चाहिए इसको रिसाइकल कर जाना चाहिए वन 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 पे सो so, बारी बारी ये वन 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 ज़ीरो और वन जीरो वन ये तीन जो स्टेट्स है बार बार रिपीट करेगा बेसिकली ये बनाएंगे कैसे अब अगर आप रिकॉल करें अप काउंटर में जब हमने डेकेड काउंटर की बात की थी तो डेकेड काउंटर में हमने बताया था कि जीरो से नाइन्थ तक काउंट करता है जो ही वो वन ज़ीरो वन जीरो जो टेंथ स्टेट है उस पर पहुँचता है तो हम उसको रीसेट कर देते हैं एक एंड गेट लगाया हुआ था उसकी मदद से अब ये क्योंकि डाउन काउंटर है तो हमने इसको रीसेट जीरो जीरो पर नहीं करना हमने उसको मैक्सिमम काउंट वैल्यू वन 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 पे करना है तो बेसिकली क्या करेंगे जो एक एंड गेट या नैंड गेट कोई भी कॉम्बिनेशन लगाएंगे जो ही ये फोर्थ स्टेट पे जा रहा है दैट मीन्स 101 तो वैलिड स्टेट है 100 पे गया उसकी वजह से हम जो है काउंटर को सेट करेंगे रीसेट नहीं कर रहे सेट कर रहे हैं सेट से वही ए सही इनपुट्स को इस्तेमाल करेंगे प्री सेट जो इनपुट है उससे हम इस काउंटर को थ्री बिट काउंटर को वन 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 आउटपुट पर सेट कर देंगे आइए देखते हैं एक डाउन काउंटर जो एक मॉड एन पे हमने कन्फिगर किया हुआ है उसके सर्किट को देखते हैं और देखते हैं काम कैसे करता है जो सर्किट दिखाया गया है ये एक मॉड फाइव डाउन काउंटर का है अगेन वही तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं तीनों के इनपुट्स जो हैं परमानेंटली लॉजिक वन के साथ कनेक्टेड हैं पहला वाला जो फ्लॉप है उसमें डायरेक्ट क्लॉक अप्लाई की हुई है बाकी जो दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें जो क्लॉक सिग्नल आ रहा है वो उससे पहले वाले फ्लिप uh, फ्लॉप से आ रहा है और क्यू बार uh, जो है वो कनेक्ट किया हुआ है ऊपर की तरफ एक नैंड गेट नज़र आ रहा है जिसके तीन इनपुट्स जो हैं जो uh, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू बार इनपुट कनेक्टेड है दूसरा जो फ्लॉप है उसका क्यू जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है नैन गेट के साथ और जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका भी क्यू बार कनेक्टेड है नैन गेट के इनपुट के साथ अब नैन गेट का जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है प्री सेट सिग्नल जो है जो एक्टिव लो सिग्नल है और ए सिंकोनस सिग्नल है अब बेसिकली ये काम क्या करता है ये जो है इनिशियल काउंट जो है ये सेट कर दिया है वन 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 पे क्लॉक पल्स आई ये काउंट करेगा नीचे की तरफ सो वन 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 से ये हो जाएगा वन वन जीरो की तरफ इसी तरह नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वन जीरो वन पे जाएगा इसी तरह फोर पे एंड सो वन अब ये देखना ये है कि ये किस स्टेट पे रीसेट हो रहा है अब जैसे कि हमने देखा नैन गेट के इनपुट पे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का क्यू बार क्नेक्टेड है दूसरे का क्यू कनेक्टेड है और तीसरे का क्यू बार कोनेक्टेड है दैट मीन्स क्यू बार जब वन होगा पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का दूसरे का Q जब वन होगा और इसी तरह तीसरे फ्लिप फ्लॉप का Q बार जब वन होगा तब नैन गेट का आउटपुट ज़ीरो होगा सो so, ज़ीरो की वजह से ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे बल्कि प्री सेट हो जाएंगे वन 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 स्टेट पे। सो so, ये किस स्टेट पे प्री सेट हो रहा है दैट मीन्स पहला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट ज़ीरो हो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वन हो तीसरा फ्लॉप जो है उसका आउटपुट जीरो हो आइए ज़रा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं उसकी मदद से इसको इसकी वर्किंग को समझते हैं टाइमिंग डायग्राम में इंटरवल टी वन पे अगर देखें जो थ्री बेट ए सिकॉनस डाउन काउंटर है वो स्टेट वन 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 पे सेट हुआ हुआ है एफ़ जीरो जो है वो वन है एफ़ वन जो है वो भी वन है और एफ़ टू जो है वो भी वन है इंटरवल टी टू पे वो डाउन काउंट कर रहा है सो एफ़ जीरो जो है वो ज़ीरो हो गया एफ़ वन जो है वो वन है एफ़ टू भी वन है इसी तरह ये डाउन काउंट करता हुआ टी फाइव इंटरवल पे अगर आप देखें टी फाइव पे एफ़ ज़ीरो वन है F1 वन वन है और F2 जो है वो ज़ीरो है T5 फाइव इंटरवल तक जो है पांच स्टेट्स इसने काउंट कर लिए हैं अब T6 सिक्स इंटरवल पर जो F0 नॉट है वो हाई से लो जा रहा है F1 जो है वो हाई से हाई पे ही रह रहा है और इसी तरह जो F2 है वो लो से लो पे ही रह रहा है अब अगर नैंड गेट को देखें उस पे F0 नॉट इनपुट कनेक्टेड है F1 इनपुट कनेक्टेड है और f2 इनपुट कनेक्टेड है अब F नॉट इनपुट को देखें वो टाइम इंटरवल T6 पे लो से हाई जा रहा है सो दैट मीन्स नाइन गेट का एक इनपुट जो है वो वन हो गया इसी तरह F1 वन इनपुट जो है वो भी नाइन गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है द सेकेंड इनपुट ऑफ द नाइन गेट ऑल्सो बिकम्स वन लॉजिक वन हो गया इसी तरह F2 टू बार को देखें वो भी वन है T6 इंटरवल के फ़ॉर बाद दैट मीन्स नाइन गेट का तीसरा इनपुट भी वन हो गया सो so, गेट का आउटपुट क्या होगा जीरो हो जाएगा ज़ीरो से ये जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये प्री सेट हो रहे हैं वन 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 पे सो टी सिक्स इंटरवल के थोड़ी देर बाद देखें एफ़ नॉट जो है वो भी वन हो गया एफ़ वन जो है पहले भी वन था वो वन ही रहेगा और इसी तरह एफ़ टू जो था वो ज़ीरो था और वो वन हो गया अब टी सेवन इंटरवल पे क्या होगा बेसिकली जो ही क्लॉक पल्स आया तो ये वन 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 स्टेट से डाउन काउंट करेगा वन वन ज़ीरो पे जाना चाहिए वही नज़र आ रहा है एफ़ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो गया एफ़ वन जो है वो लॉजिक हाई ही है एफ़ टू भी लॉजिक हाई है इसी तरह टी एट इंटरवल पे अगेन डाउन काउंट करेगा सो डाउन काउंट अगर आप देखें एफ़ ज़ीरो पर वन हो गया एफ़ वन पे ज़ीरो हो गया और एफ़ टू पर भी वन है अभी हमने एक डाउन काउंटर देखा जिसको हमने एक मॉड फाइव के तौर पे कन्फिगर किया था बेसिकली इसमें जो याद रखने वाली बात है कि जब भी आप जो स्टेट रीच कर गए जिससे आपने रीसाइकल करना है तो रीसाइकल पे आपने उसको प्री सेट करना है क्लियर नहीं करना सो प्री सेट करके उसको वन 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 पे सेट कर देना उधर से दोबारा से वो डाउन काउंट करेगा आइए बात करते हैं सिंकोनस काउंटर्स पर ए सीकॉनस काउंटर्स में हमने बात की थी कि अगर आप बड़ा काउंटर बनाना चाह रहे हैं ए सिंकॉनस काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोपोगेसन डिले क्योंकि वो जो क्लॉक सिग्नल है वो सर आपने पहले फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है बाकी फ्लिप फ्लिपलॉप्स को जो क्लॉक मिल रहा है वो पहले से गुजरेगा फिर दूसरे से गुजरेगा तीसरे से इंसौन अब इसकी वजह से वो प्रोपर्गेशन डिले एक का जो आउटपुट है वो थोड़ी देर बाद चेंज होगी तो अब अगर आपने दस फ्लॉप्स कनेक्ट किए हुए हैं तो दसवें पे काफ़ी प्रॉपर्गेशन डिले के बाद क्लॉक मिलेगा, सो जो आउटपुट है वो इनपुट चेंज हो गया और आउटपुट काफ़ी देर के बाद हो रहा है सो so, लार्ज जो काउंटर्स हैं यूजिंग ए सन्कॉनस फ्लिप्लॉप्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नहीं बना सकते बेसिकली सिंकॉनस काउंटर्स आप नहीं बना सकते जो मल्टीपल बिट्स काउंट करें दूसरी हमने बात की थी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें जो क्लॉक इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा देंगे और फ्रीक्वेंसी जो है क्लॉक जो सिग्नल है उसका साइकिल टाइम जो है वो लेस हो जाए प्रोपिगेशन डिले से तब भी ये काउंटर काम नहीं करेंगे इसका हल क्या है बेसिकली सिंकनस काउंटर्स अब सिंकोस काउंटर्स में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं आप बड़ा काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट कर देंगे अगर छोटा काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो थोड़े फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट करेंगे बेसिकली जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सारों के क्लॉक इनपुट्स हैं वो इकट्ठे कनेक्टेड हैं सो दैट मीन्स जो ही क्लॉक सिग्नल आप भेजते हैं वो सारों को साइमल्टेनियसली मिलेगा तो साइमल्टेनियसली सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो ट्रिगर होंगे अब आपस में फ्लिप फ्लॉप्स कैसे कनेक्टेड हैं एस के केस में हमने ये देखा था कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके जे के इनपुट्स जो हैं वो परमानेंटली हमने वन के साथ कनेक्ट किए हुए हैं जुड़े हुए हैं सो बेसिकली हर जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल करता है जो ही आप क्लॉक uh, मिलती है उसे वो टॉगल कर रहा होता है वन से ज़ीरो ज़ीरो से वन के केस में जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो इनपुट है जे के इनपुट है वो पहले वाले के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है क्यू जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ, हुआ हुआ है जे और के के साथ सो दैट मीन्स जो ही पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा क्लॉक मिला पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल करेगा क्योंकि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट जे के इनपुट्स जो हैं वो वन वन के साथ कनेक्टेड हैं सो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वन से जीरो जाएगा या ज़ीरो से वन जाएगा अब ये क्योंकि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो तो अगर वो वन है तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल कर जाएगा अगर जीरो है तो वो टॉगल नहीं करेगा वही स्टेट रहने जाएगा उसमें आइए देखते हैं कि ये दो फ्लिप फ्लॉप पे या टू बिट जो सेंकोनस काउंटर है ये कैसे बनाया गया और इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम पे ज़रा खास तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ए सेंकॉन्स फ्लप फ्लॉप के टाइमिंग डायग्राम्स हैं आइए देखते हैं टू बिट सस काउंटर का सर्किट uh, इसमें दो जे के फ्लॉप्स हैं पहले वाला जो जे के फ्लॉप है उसके जो दोनों इनपुट्स हैं जे एंड के उसको परमानेंटली वन के साथ कनेक्ट किया हुआ लॉजिक वन के साथ दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जो दो जे के इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है और उनको कनेक्ट किया हुआ वा, है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्यू आउटपुट के साथ सो क्यू अगर वन होगा तो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप आउटपुट पे टॉगल कर जाएगा अगर पहले वाला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है एफ नॉट वो जीरो है सो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका एफ वन आउटपुट वो वही रहेगा जो पहले था क्लॉक पे अगर आप देखें क्लॉक सिग्नल जो है दोनों क्लॉक इनपुट्स के साथ इकट्ठा कनेक्टेड है सो so, एक सिंगल क्लॉक साइमल्टेनियसली दोनों को एक ही वक्त में ट्रिगर कर रहा है अब आइए इसकी ज़रा वर्किंग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टाइमिंग डायग्राम ये जो टू बिट सिंकोनस काउंटर है ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है इधर जो डायग्राम है वो बेसिकली नेगेटिव एज ट्रिगर्ड टू बिट सिंकोनस काउंटर का है ऊपर क्लॉक जो इनपुट दिखाया गया है वो हाई टू लो जब ट्रांजेक्शन होता है तब ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं अपनी स्टेट चेंज करते हैं अब अगर एफ़ नॉट आउटपुट पे देखा जाए टी वन इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजेक्शन पे एफ़ नॉट आउटपुट जो है ज़ीरो से वन हो गया इसी तरह टी टू इंटरवल पे हाई टू लो जो ट्रांजेक्शन हो रही है क्लॉक की उस वक्त अगेन टॉगल करेगा वन से ज़ीरो पे और इसी तरह हर टाइम इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजेक्शन पे वो वन से ज़ीरो हो रहा है या जीरो से वन हो रहा है ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है कि जे के इनपुट जो हैं पहले फ्लिप फ्लॉप के वो वन के साथ कनेक्टेड हैं सो जे के का जो फंक्शन टेबल अगर आपको याद हो उसमें वन वन इनपुट पे आउटपुट टॉगल कर रहा है अब अगर आप एफ़ वन आउटपुट पे देखें अब टी वन इंटरवल पे जो ही सेकेंड फ्लॉप को क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई हाई टू लो उस वक्त जे के इनपुट पे बेसिकली क्या है वो अभी वन नहीं हुआ क्योंकि इनपुट पे अभी ज़ीरो हुआ है क्योंकि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट जो है वो ज़ीरो पे है अभी थोड़ा इसको देर लगेगी आउटपुट चेंज होने में क्योंकि प्रोपगेशन डिले दैट मीन्स T1 वन इंटरवल पर जो ही क्लॉक मिला पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो थोड़ी देर बाद चेंज होगा ड्यू टू दैट प्रोपगेशन डिले उससे पहले जो है फ्लिप फ्लॉप टू के इनपुट पे ज़ीरो है जिसकी वजह से आउटपुट उसका ज़ीरो रहेगा इस तरह टी टू इंटरवल पर अगर देखें टी टू इंटरवल पे जे के इनपुट जो है सेकेंड फ्लॉप का वो वन है अब जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई टी टू इंटरवल पे पहले वाला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो गया अब ये जो चेंज है थोड़ी देर के बाद मिलेगा ड्यू टू दी प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लॉप वन अब ये क्योंकि थोड़ी देर बाद मिलेगा जो तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट उस वक्त वन था सो इसका आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा ज़ीरो से वन चला जाएगा इसी तरह अगर आप T3 थ्री इंटरवल पर देखें पहला जो फ्लॉप है उसका तो आउटपुट चेंज हो रहा है अब T3 थ्री इंटरवल पर दूसरा फ्लॉप जो है उसका इनपुट जो है वो ज़ीरो पे है जो ही क्लॉक आई आउटपुट जो है वो जीरो पे ही रहेगा क्योंकि दोनों इनपुट जीरो जीरो पे हैं इसी तरह T4 फोर इंटरवल पर अगर देखें दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट जो है लॉजिक वन पे है जूँ ही हाई टू लो ट्रांजिशन हुई क्लॉक पे वो स्टेट अपनी चेंज कर लेगा हाई से लो uh, की तरफ इसी तरह टी फाइव टी सिक्स टी सेवन एंड टी एट इंटरवल पर डिपेंडिंग ऑन द इनपुट ऑफ द सेकेंड फ्लॉप उसकी आउटपुट स्टेट चेंज हो रही है अब अगर आप इसकी काउंट वैल्यू देखें ये टू बिट काउंटर कैसे बना बेसिकली T1 से टू टी टू इंटरवल तक F0 नॉट जो है वो वन है F1 जो है ज़ीरो है T2 से T3 इंटरवल पे एफ uh, जो है आउटपुट वो ज़ीरो हो गया और एफ वन आउटपुट जो है टू हो गया सो so, पहला काउंट जो था टी वन टी टू इंटरवल में वन था अब टू हो गया इसी तरह टी थ्री टी फोर इंटरवल में देखें ये थ्री काउंट हो गया टी फोर टी फाइव इंटरवल में दोनों आउटपुट जो है वो 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 ज़ीरो जीरो हो गए तो so, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट जीरो इसी तरह टी फाइव टी सिक्स इंटरवल में एफ़ जीरो वन हो गया एफ़ वन जीरो है ये वापस रीसाइकिल हो गया जीरो जीरो से दोबारा से वन हो गया इसी तरह टी सिक्सटी सेवन इंटरवल में टू काउंट कर रहा है और टी सेवनटी एट इंटरवल में थ्री काउंट कर रहा है अभी हमने टू बिट सिंकोनस काउंटर देखा अगेन बड़ा सिंपल है पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स दोनों जे के वन के साथ परमानेंटली कनेक्ट किए हैं दोनों की क्लॉक्स इकट्ठी हमने कनेक्ट किए हैं और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स तो आपस में कनेक्टेड हैं पर वो वन के साथ कनेक्ट नहीं किए हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट किए अब अगर हम बात करें थ्री बिट फ्लिप फ्लॉप की तो बिट फ्लिप फ्लॉप में ऑफ कोर्स तीन फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उनको कैसे कनेक्ट करना है बेसिकली पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों जे के इनपुट जो हैं वो वन के साथ कनेक्ट होंगे दैट मीन्स पहला वाला जो फ्लॉप है वो हर क्लॉक ट्रांजेक्शन में टॉगल कर रहा है वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन हो रहा है उसमें तो बेसिकली उसके इनपुट्स जो हैं जे के वो वन पे ही रहेंगे दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो जैसे हमने पहले देखा जो जे के इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो कनेक्ट हुए हैं पहला वाला फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ क्लॉक दोनों की मुश्तरक है साममल्टेनियस क्लॉक सिग्नल्स दोनों को मिल रहे हैं साममल्टेनियसली ट्रिगर हो रहे हैं अब आइए बात करते हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप की वो कैसे कनेक्ट करेंगे क्या जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका भी जे के जो इनपुट है आपस में कनेक्ट करके दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे बेसिकली इस तरह नहीं होगा उसमें जिस तरह हम ए सिंकोनस में कर रहे हैं एक बड़ा रेगुलर सा स्ट्रक्चर है सिंकोनस काउंटर्स में इस तरह हम कनेक्ट नहीं करेंगे आ, अगर आप सर्किट डायग्राम को देखें अभी हम देखेंगे भी आ, जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका जो इनपुट है जे के इनपुट वो आपस में तो कनेक्ट है पर वो एक एंड गेट के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है और एंड गेट के जो इनपुट्स आ रहे हैं वो बेसिकली आ रहे हैं पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट और दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंड गेट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं देखिए जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल होगा जब भी उसके इनपुट जो हैं वो वन होंगे उसमें अब वन टॉगल uh, हम कब करवाएंगे जब पहले दो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो काउंट कर गए वन वन पे बेसिकली अगर तीन फ्लिप फ्लॉप को देखें तो स्टेट होगी वन वन ज़ीरो दैट मीन्स थ्री अब थ्री के बाद नेक्स्ट स्टेट जो है वो फोर होनी चाहिए तो पहले जो दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट जीरो हो जानी चाहिए और जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेट वन हो जानी चाहिए अब पहले जो स्टेट है वो ज़ीरो है ज़ीरो से वन कैसे होगी अगर तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे दोनों जो जे के इनपुट्स हैं वो वन पे हों अब वन हम कैसे बना रहे हैं अब पहले दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट वन है सो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा वन होगा सो so जो ही एक क्लॉक पल्स आई जे के इनपुट जो हैं तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के जो कि एंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं वो वन पे हैं सिग्नल आया उसकी स्टेट जीरो से वन पे चली जाएगी और जो दो पहले फ्लिप फ्लिपलॉप्स हैं उनकी स्टेट वन से जीरो की तरफ जा रही है इसमें आइए देखते हैं ये सर्किट डायग्राम इसका और इसका टाइमिंग डायग्राम भी देखते हैं डायग्राम में एक थ्री बिट सेंक्रॉनस काउंटर दिखाया गया तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं पहला और दूसरा उसी तरह कनेक्टेड हैं जैसे कि हमने पहले देखा था टू बिट फ्लिप फ्लॉप के केस में तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स वापस में कनेक्ट हुए हैं और एंड गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं जैसा कि हमने बताया एंड गेट का एक इनपुट जो है वो एफ नॉट है जो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है और दूसरा इनपुट जो है वो एफ़ वन है जो कि दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है अब जैसे कि हमने डिस्कस किया अब तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है एफ़ टू अगर उसकी आउटपुट सेट ज़ीरो है वो वन तभी होगी जब जे और के इनपुट वन होंगे जे और के वन कब होंगे जब एंड गेट के दोनों इनपुट्स एफ नॉट और एफ वन जो हैं दोनों वन हो। अगर उनमें से कोई भी एक जीरो हो तो आउटपुट वन नहीं होगा सो तो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा आइए अब जरा देखते हैं इसका टाइमिंग डाइग्राम टाइमिंग डाइग्राम में क्लॉक इनपुट दिखाया गया है जो कि तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर रहा है एफ़ नॉट आउटपुट दिखाया गया एफ़ वन आउटपुट दिखाया गया है एंड गेट का आउटपुट दिखाया गया है और एफ़ टू का आउटपुट दिखाया गया अब T1 वन टाइम इंटरवल से अगर आप देखें F0 नॉट आउटपुट जो है वो वन हो गया F1 वन आउटपुट जो है वो जीरो है और F2 टू आउटपुट जो है वो जीरो है अब क्योंकि एंड गेट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है F0 नॉट आउटपुट पे और F1 वन आउटपुट पे तो इसका भी आउटपुट जीरो है अब T2 टू इंटरवल पे इसने काउंट किया दूसरी स्टेट पे एफ नॉट ज़ीरो हो गया F1 वन हो गया f2 भी ज़ीरो हो गया सो ये वन से काउंट कर दिया इसने टू पे T3 थ्री इंटरवल पे ये काउंट कर रहा है थ्री पे एफ नॉट और एफ वन जो दोनों हैं वो वन हो गए अब नेक्स्ट स्टेट जो है एफ नॉट और एफ वन जो है ज़ीरो हो जाने चाहिए और एफ़ टू आउटपुट जो है जो कि ज़ीरो है उसको वन पे हो जाना चाहिए अब जैसे कि बताया पहले बताया ये ज़ीरो से वन तभी होगा जब तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट्स वन हो अब एंड गेट के आउटपुट को देखें वो वन हो रहा है टी थ्री टी फोर इंटरवल में सो जो ही अब क्लॉक पल्स आएगी तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे वन है सो so वो टॉगल हो गया ज़ीरो से वन की तरफ चला गया सो so, टी फोर टी फाइव इंटरवल में एफ़ ज़ीरो आउटपुट जीरो हो गया एफ़ वन आउटपुट ज़ीरो है और एफ़ टू आउटपुट वन हो गया ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो ज़ीरो वन जो कि फ़ोर है इसी तरह टी फाइव टी सिक्स इंटरवल में एफ़ नॉट टॉगल हो गया ज़ीरो से वन चला गया एफ़ वन जो है वो ज़ीरो था ज़ीरो ही है एफ़ टू आउटपुट उसके भी कोई चेंज नहीं आया सो so, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट फाइव टी सिक्सटी सेवन इंटरवल में एफ़ ज़ीरो जो है वो वन से ज़ीरो हो गया एफ़ वन जो है वो ज़ीरो से वन हो गया और इसी तरह एफ़ टू जो है वो वन से वन ही रहा ये जो है सिक्स स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है वन वन ज़ीरो एफ़ टू वन है एफ़ वन वन है और एफ़ जीरो जीरो है इसी तरह टी सेवन टी एट इंटरवल में अगली स्टेट काउंट कर रहा है जो स्टेट सेवन है तीनों आउटपुट्स जो हैं वन 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 है, one, one, one है। इसी तरह अगर टी एट के बाद देखें टी एट में अगर आप देखें एफ़ ज़ीरो आउटपुट जो है वो वन है और एफ़ वन आउटपुट वो भी वन है अब एंड गेट का आउटपुट क्या होगा बेसिकली वो भी वन हो जाएगा अब तीसरा जो फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स दोनों वन हो गए सो जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई टी एट पर सो आउटपुट इसका वन से ज़ीरो हो जाएगा एफ़ टू आउटपुट जो है वो वन से ज़ीरो हो जाएगा और इसी तरह एफ़ नॉट एफ वन आउटपुट जो है वो वैसे ही ख़ुद से ज़ीरो पे जा रहे हैं सो so, ये रीसाइकिल हो गया वन 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 स्टेट से ज़ीरो 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 स्टेट पे चला गया अभी हमने थ्री बिट सेंकोनस काउंटर का सर्किट देखा उसमें हमने भी बताया कि एक एंड गेट टू इनपुट एंड गेट यूज़ कर रहे हैं जिसके इनपुट्स के साथ एफ़ ज़ीरो एफ़ वन इनपुट आउटपुट्स कनेक्टेड हैं सो जूँ ही दोनों वन होते हैं तो तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट चेंज कर देगा ज़ीरो से वन हो जाएगा या वन से ज़ीरो हो जाएगा इसी तरह अगर आप ज़रा थोड़ा सा सोचें फोर बिट फ्लिप फ्लॉप सिंकोस फ्लिप फ्लॉप बनाया जाए तो उसमें क्या होगा जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है वो बाकी तीन के साथ कैसे कनेक्ट होगा देखिए फोर बिट अगर फ्लिप फ्लॉप है तो वो बेसिकली हम मॉड सिक्सटीन काउंटर के तौर पे हम देख सकते हैं उसको दैट मीन्स वो जीरो 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 से स्टार्ट होगा और वन 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 तक जाएगा वन 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 तक पहुंच के फिर दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा दोबारा से काउंट जीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो से शुरू कर देगा चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली पहले जो आठ स्टेट्स हैं ज़ीरो से लेके कर तक उसका आउटपुट क्या है ज़ीरो रहता है और उसके बाद जो है एट से लेके कर फिफ्टीन तक उसका जो आउटपुट है वो वन हो जाता है सो so, बेसिकली पूरे अकाउंट सीक्वेंस में जो सिक्सटीन स्टेट्स हैं वो बीच में जाके ज़ीरो से वन हो रहा है और जब एंड पे पहुँचता है वन से दोबारा ज़ीरो हो रहा है अब अगर आप देखें जब वो ज़ीरो से वन हो रहा है वो कब हो रहा है जब स्टेट सेवन तक काउंट हो गया कर, कर लिया सेवन से जब एट जाएगा तो वो जीरो से वन होता है अब स्टेट सेवन को अगर आप देखें एफ ज़ीरो जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप और तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप उसके आउटपुट्स पे क्या है तीनों पे वन है अब जब आठवां स्टेट पे जाएगा उसमें तीनों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट्स क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट वन हो जाएगी सो दैट मीन्स जब भी तीनों पहले वाले फ्लॉप हैं उनके आउटपुट पे वन हो क्लॉक पल्स आई तो चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है उसको स्टेट अपनी चेंज कर देनी चाहिए सो so, बेसिकली चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके जे के इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं उस पर अगर हम वन अप्लाई करें तो उसको ट्रिगर करें क्लॉक सिग्नल दें तो वो स्टेट चेंज करेगा अब वन कैसे लेके आएंगे हमें ये हमने देखा है कि एफ़ ज़ीरोफ़ वन और एफ़ टू जो है वो तीनों वन पे हैं सो so, बेसिकली अगर एक थ्री इनपुट एंड गेट इस्तेमाल करें और उसके जो इनपुट्स हैं वो एफ़ ज़ीरोन एफ टू के साथ कनेक्ट कर दें तो आउटपुट इसका एंड गेट का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अब इसका जो आउटपुट है चौथे फ्लिप फ्लॉप जो है उसके जे के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें जो ही क्लॉक पल्स आई वो ट्रिगर हो जाएगा और अपनी स्टेट जीरो से वन कर देगा अब देखते हैं जो आखिरी स्टेट है वन 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 तब भी नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर जो काउंटर है ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो, जीरो पे हो जाना चाहिए दैट मीन्स चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपना आउटपुट जो है वन से ज़ीरो पे चेंज कर रहा है इस केस में भी जो तीनों पहले वाले फ्लिप शॉप हैं एफ जीरो एफ वन एफ़ टू उनके आउटपुट पे क्या है वन 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 है वही एंड गेट लगा हुआ है एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया वन हो गया क्लॉक पल्स आया अब क्योंकि वन है स्टेट इसका प्रीवियस स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा जीरो हो जाएगा सो so, आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम सो फोर बेट सिंक्रोनस काउंटर में जो चौथा फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट कर रहे हैं उसको एक थ्री इनपुट एंड गेट की मदद से कनेक्ट कर रहे हैं आइए देखें इसका सर्किट डायग्राम में एक फोर बिट सिंकॉनर्स बाइनरी काउंटर दिखाया गया पहले जो थ्री फ्लॉप्स हैं वो तो वही थ्री बिट काउंटर वाला सर्किट है जिसमें एक एंड गेट यूज़ किया हुआ है आइए कॉन्सनट्रेट करते हैं जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसको कैसे कनेक्ट किया गया चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके जे के इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे एंड गेट के साथ इस एंड गेट के जो दो इनपुट्स हैं एक तो एफ टू के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है पहले वाले एंड गेट के आउटपुट के साथ अब पहले वाले एंड गेट का जो इनपुट है वो बेसिकली एफ़ ज़ीरो और एफ़ वन है सो दैट मीन्स पहले वाले एंड गेट का आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट है एफ़ ज़ीरो और एफ़ वन का अब जो दूसरा एंड गेट है उसके इनपुट पे प्रोडक्ट आ रहा है एफ़ ज़ीरो और एफ़ वन का सो so आउटपुट जो होगी इसकी वो होगी प्रोडक्ट एफ़ ज़ीरो एफ़ वन एंड एफ़ टू की अभी हमने चार बिट सिंकोन काउंटर देखा उसमें आखिरी जो फ्लॉप है चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम बाकी तीन फ्लॉप से कनेक्ट कर रहे हैं एक थ्री इनपुट एंड गेट की मदद से अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सिंगोनस काउंटर में हम एंड गेट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्टली जो हैं जे के इनपुट सारे फ्लिप फ्लॉप्स के वो वन के साथ क्यों नहीं कनेक्ट करते थे जैसा कि हमने ए के केस में किया था बेसिकली अगर आप दोनों सर्किट्स को ए सिंकोनस काउंटर जो है फोर बेट और सिंकोनस काउंटर जो है फोर बेट का सामने रखें उनके टाइमिंग डायग्राम्स देखें तो आपको समझ आएगी अगर हम सिंकोनस में चारों फ्लिप फ्लॉप के जे के इनपुट्स परमानेंटली वन के साथ कर दें उसमें तो फिर क्या होगा बेसिकली अब क्योंकि चारों को साइमल्टेनियसली हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो हर क्लॉक पल्स में जो चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो टॉगल करेंगे अपनी स्टेट अब अगर चारों हर टाइम इंटरवल पे टॉगल कर रहे हैं तो वो काउंट प्रॉपरली नहीं करेंगे वो बाइनरी जो काउंट है ज़ीरो से वन वन से टू थ्री वो नहीं होगा उसमें ए सिंकॉनस में क्यों प्रॉपर काउंट कर रहे हैं बेसिकली अगर ए सिंकॉनस में जो हम क्लॉक इनपुट दे रहे हैं वो सिंकॉनस नहीं है बेसिकली सारों को एक क्लॉक नहीं दे रहे दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी क्लॉक जो है पहले वाले से आ रही है अब हम अगर नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं जो 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 एस काउंटर है वो नेगेटिव नगेटिव फ्लिप फ्लॉप है काउंटर है तो जो सेकेंड फ्लॉप है वो बेसिकली अगर उसके इनपुट पे हाई से लो ट्रांजेक्शन हो रही जो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रही है उसकी स्टेट लेथ से वन है वो ज़ीरो होगी तो हाई टू लो ट्रांजेक्शन हुई उस वक्त जो सेकेंड फ्लॉप है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा क्योंकि उसके इनपुट पे दोनों वन वन हैं अगर पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेट जो है वो ज़ीरो है और वो चेंज हो रहा है वन पे तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हो रही क्लॉक पे वो लो टू हाई पॉजिटिव ट्रांजेक्शन हो रही है अब फ्लॉप क्योंकि नेगेटिव एज एस्ट्रिकेट है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं करेगा चेंज नहीं करेगा अपनी स्टेट को सो एस इंकॉनस में क्योंकि हम हर जो क्लॉक इनपुट है वो पहले वाले से आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इसको टेक केयर करता है बेसिकली वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को चेंज नहीं होने देता सिंगोनस में जैसे पहले बताया क्योंकि सारों को सैमल्टेसली आ रही है तो जो ही एक क्लॉक आई सारों की हाई टू लो ट्रांजेक्शन होगी तो सारे साइमल्टेनियसली अपनी स्टेट चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमें ये एंड गेट लगाने पड़ रहे हैं अब ये प्रोसीजर क्या है हम वैसे तो एंड गेट नहीं लगा रहे जैसे हमने बताया टू बिट के केस में थ्री बिट के केस में फोर बिट के केस में टू बिट के केस में तो एंड गेट की ज़रूरत नहीं है थ्री बिट के और फोर बिट के केस में एंड गेट की जरूरत है और हम बेसिकली जब पहले दो फ्लिप फ्लॉप्स उनकी स्टेट्स हाई हो जाती हैं फिर हम तीसरे को ट्रिगर करते हैं या चौथे को ट्रिगर करते हैं यूजिंग ए थ्री इनपुट एंड गेट इसको हम थोड़ा सा इस मेथड को स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा कि लेट्स से हमने एक मॉड ट काउंटर बनाना है या मोट सिक्सटीन बनाना है या मोट थर्टीन बनाना है तो कितने एंड गेट्स लगेंगे कितने फ्लॉप्स लगेंगे वो हम देखते हैं अभी हम डेकेट काउंटर की बात करते हैं तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स देखेंगे इसके बाद हम एक पूरा डिज़ाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसमें आप कोई भी काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं उसमें आइए बात करते हैं एक डेकेट काउंटर की डेकेट सिंकोनस काउंटर की डेकेट सिंक्रोनस काउंटर जैसे कि नाम से पता लग रहा है दस स्टेट्स होंगी सो बेसिकली ज़ीरो 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 से काउंट करेगा और वन जीरो ज़ीरो वन तक चला जाएगा दस यूनिक स्टेट्स होंगी इसके बाद जो ही वो एलेवं स्टेट पे काउंट कर रहा है दैट मीन्स वन जीरो वन ज़ीरो उसको क्या होना चाहिए उसको रिसाइकल कर जाना चाहिए उसको रीसेट कर देना चाहिए हमने ए काउंटर्स में भी ये डेकेट काउंटर पढ़ा था उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे जो ही ये वन जीरो वन जीरो एलेवन स्टेट काउंट करता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं स्टेट को और जो चारों फ्लिप ऑफ्स हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं जो ए इनपुट है उसकी मदद से हम क्लियर कर रहे हैं सिंकोनस के काउंटर के केस में हमें वो जो एंकोनस क्लियर इनपुट है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली हम अगेन लॉजिक गेट्स चूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम वो जो आखिरी स्टेट है जो अलेवेंथ स्टेट है वन जीरो वन ज़ीरो वाली उसको डिटेक्ट करेंगे और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हम रीसेट कर देंगे इस गेट की मदद से एसिंक्रोनस इनपुट को हम यूज़ नहीं करेंगे आइए देखते हैं ये सर्किट काम कैसे कर रहा है इसके टाइमिंग डायग्राम भी देखते हैं और एक प्रोसीजर भी देखते हैं कि ये जो डिफरेंट एंड गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे हमें पता लगता है कि इधर कौन सा वाला एंड गेट इस्तेमाल करना है दो इनपुट होना चाहिए या थ्री इनपुट होना चाहिए सो आइए देखें डेकेट काउंटर सिंकोनस काउंटर ऑफ कोर्स आइए देखते हैं ये सिंकोनस डेकेट काउंटर कैसे बनाया जाता है पहले जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये एक फंक्शन टेबल है जो 10 स्टेट्स जो हैं जो सिंक्रॉनस डेकेट काउंटर काउंट करेगा वो दिखाई गई हैं सो क्लॉक पल्स इनपुट पे पहली पल्स पे स्टेट ज़ीरो 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 होगी दूसरी क्लॉक पल्स पे ज़ीरो 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 वन पर हो जाएगी इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी छठी दसवीं तक ये स्टेट जो है इंक्रीमेंट करता जा रहा है ये काउंट को इंक्रीमेंट करता जा रहा है सो so, जो जो लास्ट स्टेट है दसवीं स्टेट उस पर वन ज़ीरो ज़ीरो वन हो गया अब इसके बाद जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये डेकेट काउंटर जो है वापस रीसाइकिल कर जाना चाहिए ज़ीरो 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 पर अब अगर आप एफ़ नाट आउटपुट को देखें एफ़ नाट जो है बेसिकली ये आउटपुट है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का अब ये जो आउटपुट है ज़ीरो वन ज़ीरो वन टॉगल कर रहा है पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट टॉगल करने के लिए उसके इनपुट को जे के जो इनपुट्स हैं उनको वन के साथ परमानेंटली कनेक्ट करना पड़ेगा सो जो ही इसको क्लॉक पस देंगे ये ज़ीरो से वन हो जाएगा फिर दोबारा क्लॉक पस देंगे वन से ज़ीरो हो जाएगा एंड सो ऑन सो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों जे के इनपुट्स परमानेंटली वन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अब आइए देखते हैं एफ़ वन आउटपुट को एफ़ वन आउटपुट जो है वो दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है अब पहली दो स्टेट्स के लिए ज़ीरो है फिर नेक्स्ट टू स्टेट्स के लिए वन वन है फिर अगेन जीरो ज़ीरो हो रहा है फिर वन वन हो रहा है नवीं और दसवीं स्टेट जो है क्लॉक पल्स नाइन एंड टेन पे ज़ीरो ज़ीरो है उसके बाद जब ये रीसाइकिल होता है क्लॉक पल्स वन टू के लिए दोबारा ज़ीरो ज़ीरो रहता है अब एफ वन का आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है अगर आप एफ़ नॉट को देखें एफ़ नॉट जब वन है तो एफ़ वन जो है ज़ीरो से वन चेंज हो रहा है अगेन क्लॉक पल्स फोर पे अगर देखें एफ़ नॉट वन है तो एफ़ वन पे क्या चेंज हुआ है वो वन से ज़ीरो हो रहा है अगेन क्लॉक पल्स छः पे देखें सिक्स पे देखें एफ़ नॉट वन है तो एफ़ वन के आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ा ज़ीरो से वन हो गया और इसी तरह क्लॉक पल्स एट पे देखें एफ़ नॉट वन है एफ़ वन के आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ा वन से ज़ीरो हो गया अब हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर f नॉट वन है तो एफ़ वन जो है वो स्टेट अपनी चेंज करेगा जीरो से वन या वन से ज़ीरो बट अगर आप क्लॉक पल्स टेन पे देखें क्लॉक पल्स टेन पे f नॉट जो है आउटपुट वो भी वन है अब इसकी वजह से F1 पे क्या फ़र्क पड़ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एफ़ वन जो है क्लॉक पल्स टेन पे भी ज़ीरो है और जब ये रिसाइकल करके क्लॉक पल्स वन पे अगर देखें तब भी ज़ीरो रहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ़ वन जो है अपनी स्टेट उस वक्त चेंज करेगा जब एफ़ नॉट का आउटपुट वन हो अगर आप एफ़ थ्री आउटपुट को देखें वो ज़ीरो हो और एफ नॉट आउटपुट जो वन हो तब ये F1 का आउटपुट जो है वो ज़ीरो से वन चेंज होगा या वन से ज़ीरो चेंज होगा सो so, अगर क्लॉक पल्स टू पे देखें F0 नाट वन है और F3 थ्री ज़ीरो है जिसकी वजह से F1 जो है अपना आउटपुट स्टेट ज़ीरो से वन पे चेंज कर रहा है इसी तरह क्लॉक पल्स फोर पे देखें F0 नॉट आउटपुट जो है वो वन है F3 थ्री आउटपुट जो है वो ज़ीरो है अगेन F1 वन आउटपुट जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है वन से ज़ीरो को जा रहा है और अगेन क्लॉक पल्स छः को देखें एफ नॉट आउटपुट वन है एफ थ्री आउटपुट जीरो है एफ़ वन जो है अपनी आउटपुट स्टेट अगेन ज़ीरो से वन पे चेंज कर रहा है इसी तरह क्लॉक पल्स एट पे देखें एफ़ नॉट आउटपुट वन है एफ थ्री आउटपुट जीरो है एफ़ वन जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है वन से ज़ीरो की तरफ अब आखिरी वाले आउटपुट को देखें क्लॉक पल्स टेन पे एफ नॉट वन है और एफ़ थ्री जो है वो भी वन है अब इसकी वजह से जैसा कि नज़र आ रहा है एफ़ वन ने अपना स्टेट चेंज नहीं किया सो दैट मीन्स एफ़ वन जो है बेसिकली फ्लिप फ्लॉप सेकेंड फ्लॉप जो है उसका आउटपुट कब चेंज होगा जब एफ़ नॉट वन हो और एफ थ्री आउटपुट ज़ीरो हो अगर एफ़ थ्री आउटपुट वन हो जाता तो फिर स्टेट चेंज नहीं करेगा सो so हम जो भी एंड uh, गेट या और गेट या कोई भी लॉजिक गेट जो कनेक्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप टू के इनपुट पे वो डिपेंड करेगा इस बोलियन एक्सप्रेशन पे एफ नॉट एफ थ्री बार अब आइए देखते हैं एफ़ टू आउटपुट पे एफ़ टू आउटपुट जो है वो तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट है अब तीसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट क्लॉक पल्स फोर से फाइव जब हो रहा है तो जीरो से वन हो रहा है और इसी तरह एट से नाइन जब क्लॉक पल्स चेंज हो रहा है 8 में से नौ में आउटपुट एफ टू जो है वो वन से ज़ीरो चेंज हो रहा है अब इनपुट uh, स्टेट्स क्या होनी चाहिए अगर आप एफ़ नॉट आउटपुट को देखें और F1 आउटपुट को देखें जब दोनों वन हैं तो F2 की जो आउटपुट है वो जीरो से वन चेंज हो रही है इसी तरह अगर आप क्लॉक पल्स एट पे देखें F1 और F0 दोनों आउटपुट वन हैं एफ़ टू का जो स्टेट है वो वन से ज़ीरो हो गया सो so, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे हम अगेन लॉजिक सर्किट चूज़ करेंगे जो इम्प्लीमेंट करेगा बुलियन एक्सप्रेशन एफ नॉट प्रोडक्ट एफ़ वन बेसिकली एक एंड गेट इस्तेमाल करेंगे जिसके दोनों इनपुट जो हैं कनेक्टेड होंगे एफ़ नॉट और एफ़ वन के साथ अब आइए देखें एफ़ थ्री आउटपुट को एफ़ थ्री आउटपुट जो है वो ज़ीरो है क्लॉक पल्स वन से लेके क्लॉक पल्स एट तक चेंज कब हो रहा है जब क्लॉक पल्स नाइन आया नाइन पे वो ट्रिगर हो जाता है आउटपुट चेंज कर लेता है जीरो से वन की तरफ और दसवें क्लॉक पल्स पे वन ही रहता है दसवें के बाद जो रिसाइकल करता है दोबारा से ज़ीरो पे चला जाता है अब जो फिफ्थ ऑफ फोर है उसका आउटपुट जो चेंज हो रहा है उसके इनपुट कंडीशंस क्या हैं एफ थ्री आउटपुट जो है ज़ीरो से वन उस वक्त चेंज होता है जब एफ़ टू आउटपुट एफ वन आउटपुट और एफ़ ज़ीरो आउटपुट तीनों वन हो क्लॉक पल्स एट में सो जैसे कि नज़र आ रहा है एफ़ टू एफ वन एफ़ जीरो जो है क्लॉक पल्स एट पे तीनों वन हैं क्लॉक पल्स नाइन्थ पे एफ थ्री आउटपुट जीरो से वन हो गया अब क्लॉक पल्स टेन के बाद क्लॉक पल्स वन के दरमियान जो है अगेन वन से ज़ीरो हो रहा है ये कब हो रहा है जो कंडीशन इनपुट कंडीशनस हैं अगर क्लॉक पल्स टेन के रो में देखा जाए एफ़ नॉट आउटपुट वन हो और एफ थ्री आउटपुट वन हो दोनों अगर वन हो तो एफ़ थ्री का नेक्स्ट डेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे एक हमने बोलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करनी यूजिंग लॉजिक गेट्स जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ एफ़ टू एफ वन F0 ज़ीरो एंड सम विद एन अदर प्रोडक्ट टर्म जो प्रोडक्ट टर्म है एफ नॉट एफ थ्री आइए अब जरा सर्किट डायग्राम देखते हैं इंडेकेट काउंटर का पहला फ्लॉप जैसे कि हमने देखा है उसमें दोनों इनपुट वन के साथ कनेक्टेड हैं जो ही क्लॉक बल्स आया तो इसका आउटपुट जो है वन हो जाएगा ये हो जाएगा टॉगल करता रहेगा दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका जो इनपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है एक एंड गेट के साथ एंड गेट का जो इनपुट है एक जो है पहला फ्लिप फ्लॉप एफ़ जीरो के साथ कनेक्टेड है और दूसरा इनपुट जो है वो एफ़ थ्री बार के साथ कनेक्टेड है जैसे कि आपको याद हो पहले बुलियन एक्सप्रेशन की बात की थी इसका जो आउटपुट कंडीशन है जो पहला एंड गेट है इट शुड बी एफ नॉट एफ थ्री बार इसी तरह अगर आप तीसरे फ्लॉप को देखें तीसरा फ्लॉप के जे के इनपुट्स जो हैं वो कनेक्ट हुए हैं दूसरे एंड गेट के साथ दूसरा एंड गेट जो है उसके इनपुट्स एफ वन के साथ कनेक्ट होने चाहिए सो इसका जो प्रोडक्ट है एफ़ नॉट एफ वन है जैसा कि ऊपर तो सीक्वेंस में हमने देखा था तीसरा फ्लिप फ्लॉप है ये उस वक्त अपनी स्टेट चेंज करेगा जब एफ़ नॉट और एफ वन दोनों वन हों आइए देखते हैं चौथे फ्लिप फ्लॉप को चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट में दो एंड गेट्स कनेक्टेड हैं दोनों एंड गेट के आउटपुट्स में एक और गेट के साथ कनेक्टेड हैं जो ऊपर वाला एंड गेट है उसके जो इनपुट्स पे F3 आ रहा है और F0 आ रहा है सो एफ़ जीरो और F3 का प्रोडक्ट है दूसरा नीचे वाला जो एंड गेट है उसका जो इनपुट है एक F0 F1 है और दूसरा इनपुट जो है F2 है सो so, दूसरा एंड गेट उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है F0 F1 एंड F2 है सो so, और गेट जो है बेसिकली पहले वाला एंड गेट उसका प्रोडक्ट जो है और दूसरे वाला एंड गेट उसका प्रोडक्ट है उसको सम करके जे के इनपुट पे अप्लाई कर रहा है so, सो इन दोनों में से कोई भी वन होगा जे के जो है वो वन हो जाएगा और चौथा फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट चेंज कर देगा अभी हमने एक सिंक्रोनस डेकेट काउंटर को डिज़ाइन करने की कोशिश की बेसिकली हमने पहले तो उसके सीक्वेंस लिखे जो दस स्टेट्स हैं उसके बाद हमने ये देखा कि क्योंकि चार फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं तो हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट कंडीशन क्या होगी जिसकी वजह से वो आउटपुट अपनी चेंज कर लें अभी हमने इस पर डिस्कशन कम्प्लीट नहीं की इसको हम आइंदा लेक्चर में भी दोबारा देखेंगे इसके टाइम पे डायग्राम को देखेंगे आप काइंडली इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा बुक में भी दिया हुआ हैड आउट्स में भी दिया हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम